सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गाइड चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो गाइड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी विंडोज 8 इंस्टॉल्ड है, तो अब मैं इसमें विंडोज 10 इंस्टॉल करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने इसमें ऑलरेडी अपनी बूटेबल पेन ड्राइव लगा रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव लगी हुई है। और बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप मेरी अलग वीडियो देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विंडोज इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों, आपका जो भी इम्पोर्टेंट डाटा सी ड्राइव में पड़ा हो, उसको आप किसी दूसरी ड्राइव में सेव कर लीजिए, क्योंकि जब आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में जो भी आपका डाटा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो सी ड्राइव में जो भी आपका मेनली डाटा होता है वो डाउनलोड्स में होता है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी जितनी भी फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी थी वो दूसरी ड्राइव में सेव कर ली है। और दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स में देखना होता है, डॉक्यूमेंट्स में आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इसी में सेव होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है कि यहाँ पर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है इसको मैंने कॉपी करके किसी और ड्राइव में सेव कर लिया है। तो अब यहाँ से अगर ये रिमूव भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी दूसरी ड्राइव में इसको सेव कर रखा है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, डेस्कटॉप में, यहाँ पर जो भी आपने डेस्कटॉप के ऊपर अपना डाटा सेव किया होगा उसको भी आपने किसी और ड्राइव में मूव कर लेना है विंडोज इंस्टॉल करने से पहले। तो यहाँ पर जो भी डाटा था वो भी मैंने अपनी दूसरी ड्राइव में सेव कर लिया है। तो अब हमें विंडोज इंस्टॉल करनी है, तो पेन ड्राइव ऑलरेडी मैंने दिखा दिया आपको, मेरी लगी हुई है। तो अब हम अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होने लगे, आपने F12 को दबाने लगना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है F12 को दबाने के लिए, जो कि हमें बूटेबल ऑप्शंस ओपन करने के लिए दबाना होता है। मैं F12 दबा रहा हूं बार बार, और ये हमारे सामने बूट ऑप्शंस खुल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेगेसी बूट जो है वो आपने USB ड्राइव सेलेक्ट करनी है। अगर आप DVD से विंडो इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पर DVD सेलेक्ट करनी है, और मैं यहाँ पर पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर USB को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हमें एंटर दबा देना है। और यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज की ऑप्शन है कि आपकी जो विंडोज है वो कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल होगी, और उसके बाद टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है वो कौन सा होना चाहिए, और उसके बाद कीबोर्ड और इनपुट मेथड है। यहाँ पर आप USA कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये सब चीजें हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बिना कुछ किए ही नेक्स्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी वो हमें अपने हिसाब से सेट करनी होगी। अभी यहाँ पर हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी विंडोज की प्रोडक्ट की एंटर करनी है, तो यहाँ पर मैं अपनी विंडोज की प्रोडक्ट की एंटर कर देता हूँ। और दोस्तों ये मैंने अपनी प्रोडक्ट की एंटर कर दी, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट लाइसेंस पे आपने मार्क कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपने कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद सबसे पहले आपने जो अपनी सी ड्राइव है उसको आपने फॉर्मेट कर लेना है। सी ड्राइव आपको कैसे पता चलेगी, ये आपको अपनी सी ड्राइव की मेमोरी से पता चल जाएगा। मेरी सी ड्राइव की जो मेमोरी है वो 50 GB की है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी सी ड्राइव है। वैसे जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सी ड्राइव ही सिलेक्ट होगी, फिर भी आपको एक बार कन्फर्म करके ही फॉर्मेट करना है, क्योंकि आपकी कोई और ड्राइव भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान से करनी है। तो मैंने सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूं, ओके। और ये हमारी सी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और ये हमारी जो विंडोज है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारी पूरी विंडोज इंस्टॉल होने वाली होगी तो तब मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर दूंगा, उतनी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स।
और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो इंस्टॉल होने वाली है। बस ऑलमोस्ट सारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी होगी अपनी विंडोज रन करने के लिए। और अभी हमारा जो लैपटॉप है वो एक बार रीस्टार्ट होगा। अब दोबारा से आपको F12 दबाने की जरूरत नहीं है, आपकी विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप चाहें तो अपने पेन ड्राइव लैपटॉप से निकाल भी सकते हैं। थोड़ी सी वेट दोस्तों आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है, क्योंकि विंडोज 10 काफ़ी बड़ी होती है तो हर चीज़ इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी हमारी जो विंडो है वो रेडी हो रही है। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से इंस्टॉल होगी। जितना कंप्यूटर आपका फास्ट होगा उतनी ही जल्दी आपकी विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी। मुझे मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, शुरू से एंड तक। और हमारा लैपटॉप एक बार दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाद में करना चाहें तो यहाँ पर स्किप इस स्टेप पे आप क्लिक कर लें। तो मुझे वाईफाई अभी कनेक्ट नहीं करना है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कस्टमाइज करूँगा अपने हिसाब से, जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसे रखूँगा, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसे मैं स्किप कर दूँगा। तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर दूंगा, इसे भी ऑफ कर दूंगा, इसे भी ऑफ कर दूंगा, इसे भी ऑफ कर दूंगा और इसे भी ऑफ कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इस लास्ट वाली ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और इन तीनों ऑप्शन को मैं ऑन ही रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और हमारी सेटिंग्स जो है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यूज़र नेम दे देना है, जो भी आप अपने कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। मैं अपना ही नाम टाइप कर देता हूँ, रंजीत सिंह। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपने लैपटॉप में कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मुझे लगाना है। और यहाँ पर आपको नीचे अपने पासवर्ड का हिंट अगर कोई देना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और पासवर्ड भी यहाँ पर दोस्तों कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अगर कोर्टाना की कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर यूज़ कोर्टाना पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें जानता ही हूँ, तो मैं यहाँ पर नोट नाउ पे क्लिक कर दूंगा और ये हमें हाय का मैसेज आ गया, वी आर हैप्पी दैट यू हेयर। Getting things ready, please don't turn off your PC. वो आपको अपना लैपटॉप यहाँ पर ऑफ नहीं करना है। यहाँ पर भी थोड़ी सी दोस्तों आपको वेट करनी है, आपको कहीं पे भी कोई क्लिक नहीं करना है, अपना कंप्यूटर भी ऑफ नहीं करना है।
और ये दोस्तों फाइनली हमारी जो विंडोज 10 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और विंडोज इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों हमें अपने ड्राइवर से इंस्टॉल करने होते हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं, व्यू पे जाएंगे और स्मॉल आइकन, फिर से राइट क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय नेम, उसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, ऑटो रेंज आइकन। ऑलमोस्ट दोस्तों सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। अगर फिर भी आपका कोई ड्राइवर इंस्टॉल ना हुआ हो तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है कि हम ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आप अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेटिंग और करूँगा आपके सामने, राइट क्लिक करूँगा डिस्प्ले सेटिंग, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, और यहाँ पर मैं ये वाला रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई, कीप चेंजेस एंड डन। तो मुझे ये इसी तरह से अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये आइकन जो हैं काफ़ी बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको बड़े अच्छे लगते हैं तो आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सारी सेटिंग्स भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों तो फ्रेंड्स देखा आपने हमने कितनी आसानी से अपने बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज 10 को इंस्टॉल कर लिया। और आगे चल के मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि आपको मेरे YouTube चैनल पे कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।